Very good morning, students. Today we are going to start with the last unit of English, that is unit 5. So first of all, there is a poem, The Balloon Man. Okay, now first we'll see the introduction. Does a balloon man visit your market? Let's see what this balloon man brings with him. Ab balloon man ke bare mein to you all know. Okay, we have all seen him. ठीक है, वो एकदम कलरफुल बलून्स लेके आते हैं. ओके, सो वी विल जस्ट रीड द पोएम एंड आई एक्सप्लेन यू. सो ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, ओपन पोएम द बलून मैन एंड जस्ट लुक एज आई एम रीडिंग. ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज एंड होल्ड्स बलून्स अ लवली बंच एंड इन द मार्केट स्क्वेयर ही स्टेज एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच. ओके, नाउ ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज, मतलब जब मार्केट ज़्यादा हो, मतलब जब लोग ज़्यादा हों बहुत, तो वो मार्केट डेज पे ही आता है. एंड होल्ड्स बलून्स अ लवली बंच, मतलब जो बलून्स वो होल्ड करते हैं एकदम लवली बंच है. ठीक है, बहुत प्रिटी है, बहुत ज़्यादा बहुत कलरफुल बलून्स है. ओके, बंच मतलब एकदम बहुत ज़्यादा बलून्स हो. ठीक है, कलेक्शन. ओके, एंड इन द मार्केट स्क्वेयर ही स्टेज, मार्केट स्क्वेयर मतलब एक मार्केट स्क्वायर, मतलब वो जैसे चौराहा हम बोलते हैं वैसे, मीन्स जहाँ फोर रोड्स दे आर मीटिंग, सो वहाँ पे वो रहता है, वहाँ पे वो खड़ा रहता है. एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और इवन वो लाइक पूरा दिन ही स्टेज देयर एंड लंच का भी इवन वो नहीं सोचता है. ठीक है, दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन. ठीक है, तो कलर्स के बलून्स के कलर्स के बारे में बताया, तो कैसे बलून्स हैं, रेड कलर के हैं, पर्पल हैं, ब्लू हैं, ग्रीन हैं. ओके, वी कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. ठीक है, एंड व्हेन इट इज़ अ सनी डे द कार्ड्स एंड पीपल्स गेट बिटवीन, मतलब जब सनी डे होता है बहुत, तो इवन कार्ड्स और पीपल वहाँ पे होते हैं. यू सी देम शाइनिंग फार अवे, तो वहाँ पे कैसे एकदम जब बलून्स बहुत ज़्यादा सनी डे पे कैसे शाइन करते हों वैसे दिखते हैं बहुत दूर दूर तक. ठीक है, एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, तो कोई कोई बिग बलून्स है, कोई स्मॉल हैं. ऑल टाइट टुगेदर विद अ स्ट्रिंग, सब किसके साथ में ऐसे बंधे हुए हैं, स्ट्रिंग. ओके, सब साथ में बंधे हुए हैं विद अ स्ट्रिंग. एंड इफ देर इज़ अ विंड एट ऑल, अगर बहुत ज़्यादा विंड है तो दे टग एंड टग लाइक एनी थिंग. ओके, टग एंड टग मतलब इससे बहुत ज़्यादा विंड हो तो कैसे सब उड़ते हैं, तो हमको उनको कितना टाइटली पकड़ना पड़ता है. ठीक है, वैसे दे टग एंड टग लाइक एनी थिंग. सम डे परहैप्स ही लेट देम गो, मतलब वो चाइल्ड को ऐसा है कि वो किसी न किसी दिन बलून मैन वो बलून्स को ऊपर ऐसे जाने दे, मतलब ऐसे छोड़ दे हवा में, इन द स्काई, एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई, और हम सब उनको सेलिंग हाई मतलब एकदम ऊपर स्काई में जाते हुए, एकदम हाई इन द स्काई जाते हुए देखें. एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, मतलब नीचे से हम खड़े रह के ऊपर देखें ऐसे द बलून्स इन द स्काई, दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई, और वो स्काई में ऐसे बहुत नीचे से हम जैसे देखेंगे तो बहुत प्रिटी लगेंगे वैसे. ओके, सो चिल्ड्रन, दिस पोएम इज रिटन बाय रोज फेयरमैन. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द न्यू वर्ड्स, एंड ये न्यू वर्ड्स आपको आपकी इंग्लिश नोटबुक में लिखने हैं. सी, फर्स्ट वन इज बी यू एन सी एच, दैट इज बंच. देन स्क्वेयर, एस क्यू यू ए आर ई, एस यू डबल एन वाई सनी, एंड टी यू जी टग. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द मीनिंग्स, ये मीनिंग्स भी यू हैव टू राइट इन योर इंग्लिश नोटबुक. सी, फर्स्ट वन इज बंच. अब बंच का मीनिंग क्या है, बंच का मीनिंग क्या होता है, अ नंबर ऑफ थिंग्स ऑफ द सेम काइंड केप्ट टुगेदर, जैसे मैंने आपको अभी इसमें बताया था बलून्स. ठीक है, सेम काइंड मतलब सब एक ही चीज़ हो, जैसे हम बोलते हैं बंच ऑफ कीज, ठीक है, बंच ऑफ ग्रेप्स, तो एक ही वो चीज़ है, सेम काइंड है. ठीक है, उसको हमको हमने साथ में रखा हो. देन नंबर टू इज सनी, दैट इज सनी, हमने ऑलरेडी देखा है, सनलाइट भी देखा था हमने, सनी इज ब्राइट सनलाइट. ओके, नंबर थ्री इज टक, दैट इज पुल हार्ड. ओके, नाउ चिल्ड्रन ओपन द वर्कबुक, वील सी द क्वेश्चन आंसर्स नाउ. यूनिट 5 द बलून मैन, पेज नंबर 38. सी, सो यू हैव टू कंप्लीट दिस एज आई एम एक्सप्लेनिंग यू, एज आई एम रीडिंग द क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट वन इज, व्हेन डज द बलून मैन कम,
तो वो कब आता है? द बलून मैन कम्स ऑन मार्केट डेज. ओके. नंबर टू, व्हाट डज द बलून मैन होल्ड इन हिज हैंड? द बलून मैन होल्ड्स अ लवली बंच ऑफ बलून्स इन हिज हैंड. ओके. नंबर थ्री, वेयर डज द बलून मैन स्टैंड? द बलून मैन स्टैंड्स इन द मार्केट स्क्वेयर. इजी, वेरी इजी क्वेश्चन आंसर्स आर देयर चिल्ड्रन, एज वी हैव स्टडीड द पोएम ऑल्सो. नाउ नंबर फोर, वॉट हैपन्स टू द बलून्स वेन देर इज अ विंड? तो वेन देर इज अ विंड द बलून्स टग अ लॉट. ओके. नंबर फाइव, वॉट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन डू? नाउ हियर द चाइल्ड लाइक्स टू सी द बलून मैन लेट द बलून्स गो. ओके. उसको क्या चाहिए कि बलून मैन बलून्स को जाने दे. नंबर सिक्स, वॉट विल द चाइल्ड डू वेन द बलून मैन लेट्स ऑल द बलून्स गो? तो वेन द बलून मैन लेट्स ऑल द बलून्स गो, द चाइल्ड विल सी देम सेलिंग हाई इन द स्काई. तो चाइल्ड क्या करेगा? वो तो देखेगा उनको सेलिंग हाई इन द स्काई. ओके. नाउ नंबर सेवन इज, फाइंड आउट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम. हमको वर्ड्स दिए हुए हैं, हमको इनके अपोजिट वर्ड्स ढूंढने हैं जो ऑलरेडी इन द पोयम में हमने देख लिए. जैसे नेवर का इट इज ऑलवेज. ओके. ए एल डब्ल्यू ए वाई एस. सेकेंड इज नाइट्स, उसका डेज. रेनी का सनी. नियर फार. बिग स्मॉल. लो हाई. सिट स्टैंड. अबव बिलो. ओके. देन नंबर टू इज, राइट द करेक्ट ऑप्शन इन अ बॉक्स. When does the balloon man come? So it is on market days, that is option B. Where does the balloon man stand? So in the market square, option A. Sunny day means a bright day, that is option D. Number 4, on a sunny day the balloons shine far away. C. Okay, sunny day pe humne kya padha tha kaise shine ekdam karenge na? So it is option C. If there is a wind, the balloons tug a lot. That is option A. When do the balloons tug and tug? So, if there is wind. Matlab option D. The child wishes that someday the balloon man will let the balloons go. That is option A. Eighth is, the child wants to see the balloons sailing in the sky. Okay, option C. Ninth is, which word in the poem rhymes with days? So it is days, option A. Which word in the poem rhymes with lunch? So option D, bunch. Which word in the poem rhymes with green? So C, between. Okay. Which word in the poem rhymes with day? That is away, option B. Which word in the poem rhymes with all? That is small, matlab option D. Which word in the poem rhymes with string? तो इट इज एनी थिंग, मतलब ऑप्शन ए. विच वर्ड इन द पोयम राइम्स विद गो? तो इट इज बिलो, ऑप्शन बी. विच वर्ड इन द पोयम राइम्स विद हाई? तो इट इज स्काई, दैट इज ऑप्शन ए. ओके. नाउ नेक्स्ट वील कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री. राइट थ्री राइमिंग वर्ड्स. नाउ सी, इसमें एज वी हैव डन, ये हमने पहले भी किया है, जो बोल्ड लेटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमको वर्ड्स ढूंढने हैं. ठीक है, जैसे होल्ड है तो उसमें वी वॉन्ट द वर्ड्स दैट इज एल डी. नाउ वी कैन राइट इट एज बी ओ एल डी बोल्ड, सी ओ एल डी गोल्ड एंड टी ओ एल डी टोल्ड. ठीक है, तो सब में एल डी इज कमिंग एट द एंड. नंबर टू इज ग्राइंड, तो हमको इसमें जी आर चाहिए. ठीक है, तो जी आर डब्ल ई डी ग्रीट, जी आर ई ए टी ग्रेट एंड जी आर ओ यू एन डी ग्राउंड. सब में वी आर हैविंग द वर्ड जी आर. ओके. देन it is example, so we want the words, we want the letters PLE. So PEO PLE people, APPLE apple and PRINCIPLE, that is principal. Okay. Then for this smart, so we want the letters SM in the beginning, SMALL, that is small, SMOOTH, that is smooth, and SMELL, that is smell. So small, smooth and smell. And the fifth one is BATCH, batch.
तो टी सी एच हमको चाहिए एंड में, तो एम ए टी सी एच मैच, एस एन ए टी सी एच स्नैच एंड सी ए टी सी एच कैच. ओके चिल्ड्रन, सो योर वी हैव फिनिश्ड विद दिस पोएम पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 5. सो जस्ट रीड द पोएम, राइट द न्यू वर्ड्स एंड मीनिंग्स इन योर इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश नोटबुक एंड द क्वेश्चन आंसर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज राइमिंग वर्ड्स इन योर इंग्लिश वर्कबुक. Okay, and then learn it.